हेलो फ्रेंड्स, सुपर एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका स्वागत है। जब भी हम कोई इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, जैसे कि गृह प्रवेश, शादी, पूजा, कोई फेस्टिवल, तो हम उसका स्पेसिफिक एक टाइम निकलवाते हैं। जब हम उसका टाइम निकलवाते हैं तो ज्योतिषाचार्य एक डॉक्यूमेंट, एक बुक को रिफ़र करते हैं जिसको बोला जाता है पंचांग। इसी पंचांग के बारे में और जानने के लिए आज हमने इन्वाइट किया है डॉक्टर अनिल पुरवाल जी को। डॉक्टर पुरवाल पिछले 21 सालों से एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं। सर ने एस्ट्रोलॉजी में एमए किया है, पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक किया है। सर की 2 बुक्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं और 40 रिसर्च पेपर्स पब्लिश्ड हैं। सर, वेलकम टू सुपर एस्ट्रोलॉजर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये पंचांग होता क्या है। देखिए, पंचांग जो है हमारी संस्कृति का बहुत ही आमूल चूल भाग है, जो मतलब हमसे जुड़ा हुआ है। जैसे एक वृक्ष की जड़ें पेड़ से जुड़ी होती हैं, उसी तरीके से ये जो पंचांग है वो हमारी संस्कृति का मूल है। क्योंकि हमारी संस्कृति, यदि हम बात करें कि संस्कृति क्या है, तो हमारा जो आचार व्यवहार, खान पान, हमारे जो व्रत पर्व हैं, वो सब हमारे संस्कृति का मुख्य भाग है। जैसे इंडियन कल्चर की बात होती है, तो जब इंडियन कल्चर की बात होती है तो यहाँ पर होली, दीपावली या रक्षाबंधन जितने भी त्यौहार हैं, सब उसका भाग होते हैं। तो ठीक वैसे ही जो अब ये जो त्यौहार हैं, ये कब मनाए जाएँ, इन त्यौहारों को मनाए जाने के लिए पंचांग का निर्माण किया जाता है। और ऐसा वैदिक काल से होता आ रहा है। मूल रूप से अगर पंचांग की बात करें तो पंच अंग, जैसा कि पंचांग से बोध हो रहा है कि 5 अंग होते हैं जिसके, वही पंचांग कहलाता है। हमारे शास्त्रों में इसके लिए एक श्लोक कहा गया है कि किस प्रकार से पंचांग की व्याख्या कर सकते हैं। तिथि वाशर नक्षत्र योगा करणमेव च इति पंचांगम आख्यातम व्रत पर्व निदर्शकम। अर्थात जो तिथि हैं, हमारी तिथियाँ कौन सी हैं, वाशर कौन से, वार कौन से हैं, नक्षत्र कौन कौन से इस्तेमाल हम लोग करते हैं, योग कौन कौन से हैं, करण कौन कौन से हैं और इनकी क्या उपयोगिता है, इन 5 भागों को मिलाकर या 5 अंगों को मिलाकर पंचांग का निर्माण किया गया। यह पंचांग किस उपयोग में आते हैं, तो व्रत पर्व, जो हमारे व्रत हैं और जितने भी पर्व हैं, जितने भी भारतीय पर्व हैं, वो सारे उसी पंचांग के तिथियों पर निर्भर करते हैं। और पंचांग के बारे में और अगर कहा जाए तो पंचांग के बारे में ये कहा जाता है कि पंचांग के बहुत सारे नाम मिलते हैं, बहुत सारी अन्य अन्य जगहों पर बहुत सारे नाम के नाम मिलते हैं, तिथि पत्र, पंचिका, ठीक है ना, पंचांग, अत्रा, जंत्री, आलमनक, उसको उर्दू में आलमनक की संज्ञा दी गई है, और जो अंग्रेजी में अगर उसको कहा जाए तो एफेमेरीज के नाम से ये प्रकाशित होते हैं। इन पंचांगों के अंतर्गत सिर्फ यही 5 अंग तो ये मुख्य अंग हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे विषय बताए गए हैं। जैसे संवत्सर का ज्ञान होता है उससे कि कौन सा संवत्सर चल रहा है, उसकी संख्या क्या है, विक्रम संवत क्या है, शक संवत कितना है, इसके साथ साथ हमारा अयन कौन सा है, कि उत्तरायण है या दक्षिणायन है, ये क्या है, इसके साथ साथ हमारे गोल कौन से हैं, किस गोल में, इसका संबंध हमारे ऋतुओं से भी होता है, कौन सी ऋतु चल रही है, और ऋतु के अतिरिक्त कौन सी संक्रांति चल रही है, कौन सा चांद्रमास, जिसको हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, जो मास हमारे चांद्रमास जो प्रयोग में आते हैं, ये कौन से चल रहे हैं, इन सब के बारे में हमें जानकारी होती है। तो एक बहुत व्यापक तरीके से, एक तरीके से कहा जाए कि भारतीय जो ज्योतिष है, जो ज्योतिष शास्त्र है, उसका मौलिक आधार ये पंचांग है। और इसी कारण से, चूँकि ये हमारी संस्कृति का भाग था, तो बहुत सारे आतताइयों के द्वारा भारत पे बहुत समय तक राज किया गया, लेकिन फिर भी इसका जो संस्कार है हमारे बीच से समाप्त नहीं हुआ, ये संस्कार सदैव बना रहा, पंचांग बनते रहे, पंचांगों की चर्चा होती रही। तो सर, ये बताइए कि पंचांग के जो 5 पार्ट्स हैं, इसे थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। देखिए, जैसे तिथि, सबसे पहले तिथि आता है। तिथि जो होता है वो चंद्रमा से संबंधित होता है, चंद्रमा और सूर्य से। जैसे हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कोई भी चीज़ मानव निर्मित नहीं है, वो सारी चीज़ें जो है ग्रहों पर आधारित हैं। अब वो कैसे निर्धारित हैं, जैसे सूर्य चंद्रमा को लिया हमने, जब तिथि की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य चंद्रमा का आधार लेते हैं। सूर्य से चंद्रमा की दूरी जब 12 डिग्री हो जाती है, या सूर्य चंद्रमा का अंतर 12 अंश के बराबर हो जाता है, तो उसे हम एक तिथि कह देते हैं। जैसे जब पूर्णिमा होती है, आपने देखा होगा जब पूर्णिमा के दिन आकाश देखें तो एक तरफ सायंकाल अगर जिस समय सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय अगर देखें तो एक समय सूर्य पश्चिम में दिखाई दे रहा होगा, और ठीक उससे 180 डिग्री दूर, उसके अपोजिट, अगर आप सूर्य की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं सूर्यास्त के समय, तो आपकी पीठ के पीछे चंद्रमा होगा। अगर जिस दिन सार्ध सप्तमी होगी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो, चाहे चंद्र पक्ष, कृष्ण पक्ष की हो,
जिस दिन होगी उसकी सिर के आपके ठीक ऊपर चंद्रमा दिखाई देगा। तो इस प्रकार से क्या है कि ये जो हमारे सूर्य चंद्रमा के बीच का जो अंतर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जब 12 अंश का अंतर होता है तो प्रतिपदा, अगर 24 अंश का अंतर जब हो जाएगा तो द्वितीया, फिर इसी प्रकार से तृतीया, चतुर्थी, ये सब 12 के गुणक में चलता रहता है। दूसरा, यदि हम वार की बात करें तो वार तो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भारतीय ज्योतिष का, क्योंकि इस संसार में तिथियों में तो अंतर मिलता है कि हम आज अपनी तारीख के हिसाब से हमारा नववर्ष अब आरंभ हो रहा है, किसी का एक महीने बाद आरंभ हो रहा है, किसी का जून जुलाई में आरंभ हो रहा है, कोई 1 जनवरी को आरंभ कर रहा है, इस तरीके से बहुत मतभेद हैं। लेकिन वार में कोई मतभेद नहीं, जो वार यहाँ है वही जापान में भी होगा और वही अमेरिका में भी होगा, और इसके बीच में जितने और देश हैं सब जगह भी वार, ऐसी जितने भी चीज़ें हैं जहाँ भी मतलब वारों के नाम मिलते हैं वो ग्रहों के आधार पर ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात ग्रहों के आधार पर ही मिलते हैं, और जो ग्रहों के नाम पर मिलते हैं उन ग्रहों का क्रम यह है नहीं। जो हम आज आधुनिक विज्ञान में ये जो सोलर सिस्टम के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हाँ यही क्रम है, वास्तविकता में यही क्रम है, लेकिन फिर भी उसका क्रम हमें वार के रूप में नहीं मिलता। अगर हम कहें कि जैसे हम रविवार की बात करते हैं तो रविवार का मतलब हो गया वह सूर्य पर आधारित वार है, और सूर्य पर तो सबसे पहले बीच में सूर्य है, सूर्य केंद्रीय कक्षा क्रम में, अगर जियो सेंट्रिक जो सोलर सिस्टम है अगर उसकी हम बात करें तो सूर्य सेंटर में है। सूर्य के बाद जो कक्षा है वो बुध की कक्षा है, जिसको हम अंग्रेजी मरकरी कहते हैं, तो अगला दिन बुधवार होना चाहिए। उसके बाद जिसकी कक्षा है उस वो है शुक्र की, तो इसका मतलब अगला दिन वार जो है शुक्रवार होना चाहिए। उसके बाद पृथ्वी की कक्षा है और पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ चंद्रमा है, तो उस अगला जो वार होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी का कोई वार कहा नहीं गया है, चंद्रमा का वार कहा गया है, तो अगला वार जो होना चाहिए चंद्रवार कहना चाहिए। इसी प्रकार से उसके बाद जो कक्षा है वो मंगल की कक्षा है, तो मंगलवार उसके बाद होना चाहिए। फिर इसके बाद बृहस्पति की कक्षा है तो बृहस्पतिवार होना चाहिए। फिर इसके बाद बृहस्पति के बाद शनि की कक्षा है, शनि की कक्षा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, और कोई भी विज्ञान इस बात को नहीं बताता कि वार हम इस क्रम में क्यों लेके चल रहे हैं, इनमें कोई सुधार क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उसका आधार जो है भारतीय ज्योतिष मानती है, और इसका उत्तर सिर्फ ज्योतिष को पढ़ने वाला ही दे सकता है। ज्योतिष को पढ़ने वाला या जानने वाला जो विषय में रुचि रखता हो वो ही पढ़ सकता है, वही इसका उत्तर दे सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा विज्ञान इसका उत्तर नहीं दे सकता। तो चूंकि हम सारी गणना जो कर रहे हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र में कर रहे हों, चाहे खगोल विज्ञान में कर रहे हों, या किसी संदर्भ में कर रहे हों, वो सारी हम अर्थ के रेफरेंस में कर रहे हैं, जियोसेंट्रिक। तो जब जियोसेंट्रिक कक्षा क्रम लेते हैं तो वहां पर इंटरचेंज कर देते हैं सन और अर्थ के बीच में। जब सन और अर्थ के बीच में कर देते हैं तो सन से अर्थ की प्लेस चेंज कर देंगे, सन की जगह अर्थ हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी कई बार आता है, कई लोग करते हैं इस बात को, कि बताइए आप लोग जो है चंद्रमा को भी ग्रह मान लेते हैं, इसका मतलब आपको ग्रहों की समझ थी नहीं, लेकिन आप क्योंकि वो तो उपग्रह है, वो तो आधुनिक विज्ञान जान ही गया है, सैटेलाइट भी उस पर भेजे हैं और ये जान गया है कि वो पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रहा, फिर भी आप उसको उपग्रह को ग्रह मान रहे हैं, तो इसका मतलब आपको जानकारी नहीं थी। तो इसका उत्तर भी इसमें निहित है, इसलिए मैंने इसको पॉइंट को रखा। जब हम सूर्य से पृथ्वी को चेंज कर रहे हैं तो बाकी जो ग्रहों की कक्षाएं जो कि सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं उन ग्रहों की कक्षाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, लेकिन चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है इसलिए जब सूर्य के पास उसको लाएंगे, सूर्य के स्थान पर लाएंगे, तो पृथ्वी के साथ चंद्रमा भी आ जाएगा और सूर्य पृथ्वी के स्थान पर चला जाएगा, चूंकि उपग्रह है जी, ठीक है ना। तो अब क्रम जो हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, मंगल, गुरु और शनि, ये क्रम हो जाएगा। अब सिर्फ इतने से ही काम नहीं चलता, इसके आगे की बात भी कही गई है वार के लिए। तो वार के लिए एक हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जिसका कोई लेखक नहीं प्राप्त होता, आप्त ग्रंथ, ऐसे ग्रंथों की हम संज्ञा देते हैं आप्त ग्रंथ। ये श्रवण परंपरा से भी लिखे गए होंगे, जैसे कि वेद हमारे लिखे गए, किसने लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा है। तो उसी तरीके से जो हमारा सिद्धांत, जो सिद्धांत ग्रंथ का एक जो सूर्य सिद्धांत है उसको भी आप्त ग्रंथ के कोई लेखक नहीं मिलते, तो उसको ये कहा जाता है कि सूर्य ने स्वयं ज्ञान दिया था। तो उसमें एक बात कही गई, मंदः अधः क्रमेण स्युः चतुर्था दिवसाधिपः।
अब अगर हम अर्थ से देखें तो अर्थ के ऊपर चंद्रमा दिखाई देगा, चंद्रमा के ऊपर बुध, बुध के ऊपर शुक्र, शुक्र के ऊपर सूर्य, सूर्य के ऊपर मंगल, गुरु और शनि, इस तरीके से कक्षा का क्रम होगा। तो मंदा का मतलब होता है जो सबसे मंद, मतलब धीमे चलने वाला, मंद को जैसे धीमे धीमे चलता है जी। तो मंद जो है कहा गया शनि को। अब शनि ग्रह सबसे ऊपर है, जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सबसे, चाहे उसको सोलर सिस्टम कहें और चाहे जियो सेंट्रिक सोलर सिस्टम कहें। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जियो सेंट्रिक सोलर सिस्टम या भूगर्भ भूकेंद्रिक कक्षा क्रम है उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें शनि सबसे ऊपर है और शनि की जो कक्षा है, क्योंकि बहुत व्यापक है, बड़ी, सबसे बड़ी कक्षा है, और वो क्या है, वो बहुत धीमे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके उसको कहा गया मंद। तो कहा गया मंदा अधाह, उससे अधा मतलब नीचे, क्रमेण क्रम से, चतुर्था दिवशाधिपा, जो चौथा ग्रह होगा वो पहले वार का अधिपति होगा। तो सबसे ऊपर शनि की कक्षा, फिर उसके बाद अगर शनि से एक नंबर गिने तो शनि एक नंबर, बृहस्पति दो नंबर, फिर उसके बाद मंगल तीन नंबर, और चौथे नंबर पर सूर्य आ गया। तो पहला वार हमारा हुआ रविवार। आजकल जो, चूंकि आधुनिक समय में अगर देखें तो हम रविवार को पहला दिन नहीं मानते, पहला दिन सोमवार को मानते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहने लगे, वीकेंड कहने लगे। तो वीकेंड नहीं है वो, वो पहला वार है, प्रथम वार, क्योंकि सूर्य से ही हमारा दिन आरंभ होता है। आपने कभी पशु पक्षी को देखा है कि रात में भोजन करते हुए, वो जैसे ही दिन आरंभ होता है उसी दिन के आरंभ से और जब तक सूर्यास्त होगा उसके बीच में जो अपना भोजन पानी जो भी लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। तो इसका मतलब उनको ये बात की जानकारी है कि दिन कब होगा, क्योंकि दिन हमेशा समान तो होते नहीं, कभी सूर्योदय पहले होता है, सूर्यास्त बाद में होता है, कभी सूर्योदय 6 बजे के बाद होता है, 7 बजे के आसपास होता है, और सूर्यास्त उस दिन 5 ही बजे होता है, जैसा कि जाड़ों में होता है। तो पहला इसलिए वार हो गया रविवार। अब जब सूर्य से गिनेंगे चौथा कौन सा होगा, तो सूर्य पहला हो गया, फिर शुक्र दूसरा हो गया, बुध तीसरा हो गया, और अगला जो, जिसको हम उपग्रह कह रहे थे, चंद्रमा, वो क्या हो गया हमारा, अगला वार हो गया सोमवार। इसी क्रम में जब फिर से बढ़ेंगे तो जब चंद्रमा पहला हो गया, अगर तीसरे बार की चर्चा करेंगे तो चंद्रमा पहला हो गया, फिर उसके बाद शनि दूसरा हो गया, फिर चूंकि चक्र में ही है तो पहला चंद्रमा, फिर सबसे ऊपर आ जाएंगे शनि, फिर उसके बाद गुरु और फिर मंगल, ये तीसरा वार हो गया। मंगल से चौथा देखेंगे तो मंगल पहला हो गया, सूर्य दूसरा हो गया, शुक्र तीसरा हो गया, बुध चौथा वार हो गया। बुध से फिर से गिनेंगे तो बुध पहला हो गया, चंद्रमा दूसरा हो गया, शनि तीसरा हो गया, बृहस्पति चौथा हो गया, ये अगला वार हो गया। बृहस्पति से गिनेंगे तो बृहस्पति पहला वार, फिर मंगल दूसरा वार, सूर्य तीसरा वार, और चौथा शुक्र हो जाएगा, तो अगला वार हो गया शुक्र, और शुक्र से गिनेंगे तो शुक्र पहला, बुध दूसरा, चंद्रमा तीसरा और शनि चौथा। तो ये क्रम है जिसको हमारे, मतलब कहीं भी किसी तरीके से पढ़ाया नहीं जाता है, और मुझे लगता है कि ये सब ऐसा ज्ञान है जो, मुझे लगता है कि अगर बेसिक लेवल पे भी अगर पढ़ा दिया जाए भारतीय खगोल के रूप में, तो निश्चित रूप से लोगों की समझ ज्योतिष के प्रति बहुत बढ़ जाएगी। कुछ लोग इसको भ्रम का विज्ञान कहते हैं, या कहते हैं कि भ्रामक है या फेक है, अपने मन से कुछ बता देते हैं, तो अपने मन से हम लोग कुछ नहीं कहते, कह ही नहीं सकते। अगर जिसने ज्योतिष का वास्तविक रूप से अध्ययन किया है तो वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको तो ग्रह पर निर्भर करना पड़ेगा। जब वो दिन नहीं कह सकता कि 12 घंटे का होता है, क्योंकि उसके लिए तो सूर्योदय सूर्यास्त देखना पड़ेगा, तो बाकी बातें कैसे कह देगा। तो ये हो गया वार का क्रम। तीसरा आता है नक्षत्र। अब नक्षत्र जो है, कहा गया नक्षरते इति नक्षत्रम, जिनका क्षरण नहीं होता, अर्थात जो समाप्त नहीं होते या चलायमान नहीं है, इसको इस रूप में इसकी व्याख्या की गई है। तो अब नक्षत्रों के पहले अगर समझना है तो हमें तारों को समझना होगा, क्योंकि तब तक हम नक्षत्रों को नहीं समझ सकते जब तक हम तारों को न जानते हों। तो तारा किसे कहते हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि जो स्थिर होते हैं और स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं वही तारे कहलाते हैं। जैसे कि सूर्य एक तारा है, अपनी जगह स्थिर है और प्रकाशित भी है स्वयं के प्रकाश से, तो ऐसे सूर्य जैसे अनेक तारे हमारे इस ब्रह्मांड में हैं। अब उन तारों से ही, यही जो तारे हैं, कई तारे मिलाकर क्या बनते हैं, एक नक्षत्र बन जाते हैं। तो ये प्रश्न आता है कि अगर कई तारे मिलकर एक नक्षत्र बन जाते हैं, तो सूर्य जैसा एक ग्रह, जून में एक ही ग्रह हमारे लिए पर्याप्त है गर्मी देने के लिए जी, उसी में जीवन मुश्किल हो जाता है। अभी जून का 22 जून के आसपास दिन आएगा तो उसी में कठिन होगा दोपहर में निकलना। तो इतने जो तारे हैं, अगर उनकी भी ऊष्मा पृथ्वी तक आ जाए तो क्या होगा,
जीवन ही समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, वो तारे नज़दीक नहीं हैं, क्योंकि अगर नज़दीक होते तो उनकी ऊष्मा मिलती, वो तारे बहुत दूर हैं, बहुत ऊपर हैं, ब्रह्मांड में बहुत ऊपर हैं, शनि से बहुत ऊपर हैं इन तारों की स्थिति, क्योंकि नहीं तो सब जीवन यहाँ पृथ्वी पर जीवन होता ही नहीं अगर दूरी नहीं होती। तो तारे जो है सबसे ऊपर हैं, और उन्हीं तारों को मिलाकर हम नक्षत्र की संज्ञा बनाते हैं। और सिर्फ नक्षत्र क्या हम पूरे ब्रह्मांड के तारों को ले लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। अगर यह माने कि जितने भी तारे हमें आकाश में दिखाई दे रहे हैं क्या सभी से हम मिलकर नक्षत्र बना लेंगे, ना ऐसा भी नहीं है। जो हमारे पृथ्वी की कक्षा है, जिसमें अभी हमने पहले भी बताया कि हम सारी गणना किसके सापेक्ष कर रहे हैं, पृथ्वी के रेफरेंस में कर रहे हैं, ना कि अन्य ग्रहों के जी। तो हम जो पृथ्वी के संदर्भ में कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे उसका संबंध सीधा मानव से है। तो मानव के ऊपर किन किन ग्रहों का, किन किन आकाश में आकाशीय जो पिंड हैं उनका प्रभाव पड़ेगा, उसकी बात कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से तारे या हम नक्षत्र ले रहे हैं जो इसका भाग है, तो वो है हमारा जिसमें पृथ्वी चलती है, इसको अगर अंग्रेजी में कहें तो इक्लिप्टिक कहते हैं, और हिंदी में इसको क्रांति वृत्त की संज्ञा दी गई है। तो क्रांति वृत्त के 9 डिग्री उत्तर और 9 डिग्री दक्षिण, जैसे पृथ्वी चल रही है उसमें जितने तारे हैं उन्हीं तारों से मिलकर नक्षत्र बनाए गए, और इन नक्षत्रों की संख्या है 27, जिसमें आपका अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, वृक्षरा, आर्द्रा, पुनर्शु, पुष्य, आश्लेषा, एक 9 का क्रम ये है। फिर दूसरा मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, दूसरा 9 का क्रम ये है। और तीसरा है मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, ये 3 क्रम है। कुल मिला के ये 27 नक्षत्र हो गए। ये 27 नक्षत्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों से मिलकर राशियां बनी। जैसे तारों से मिलकर जी नक्षत्र बने, वैसे ही नक्षत्रों से मिलकर राशियां बनी। तो इनकी एक गणित की एक व्यवस्था है, वो किस किस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको और अध्ययन इसका मिल पाएगा कि कैसे होता है। तो ये 27 नक्षत्रों की चर्चा की जाती है, जिन नक्षत्रों के पूरा हमारा आधार है भारतीय ज्योतिष का। किसी को कुछ याद ना हो, याद हो या ना हो, लेकिन उसको नक्षत्र अथवा राशि ये जरूर याद हो। इसके बाद आते हैं तीसरा, योग, आनंदादि योग कहे गए हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हमने आपको बताया था कि तिथि के बारे में कि जब सूर्य चंद्रमा का अंतर 12 अंश हो जाता है, वैसे ही एक तिथि हो जाती है। इसी प्रकार से जब सूर्य चंद्रमा का अंतर 13 अंश 20 कला होता है तो वो एक योग हो जाता है। तो ऐसे योग जो है वो तिथि नक्षत्र, जैसे ही चंद्रमा सूर्य के बीच में 13 अंश 20 कला का अंतर हो जाएगा, वैसे ही हमारा एक युग पूरा हो जाएगा। फिर 13 अंश 20 कला का होगा, फिर एक युग पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये योग 27 संख्या इनकी है, और ये अलग अलग दिन प्रायः एक अहोरात्र में, अहोरात्र का मतलब दिन और रात मिलाकर, एक जो दिन लगभग 24 घंटे का समय है उसको मिलाकर एक योग की स्थिति बन जाती है। जो अंतिम इसमें इकाई है वो है करण। करण 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो करण का गणती स्वरूप क्या है, तो जैसे तिथि का 12 डिग्री हमने बताया कि सूर्य चंद्रमा का अंतर 12 डिग्री हो जाता है तो एक तिथि हो जाती है, तो उसी तिथि में 2 करण होते हैं। किसी भी तिथि में 2 करण होते हैं, मतलब एक जो तिथि करण का मान होता है वो 6 डिग्री होता है, और 2 करण जो होगा 12 डिग्री के होगा, ठीक है ना। तो हर तिथि में 2 करण होंगे। ये करण भी 2 प्रकार के हैं, एक चर करण है, दूसरा स्थिर करण है। तो चर करण के जो नाम है बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि, पंचांग में देखेंगे सारे नाम मिलेंगे, ठीक है ना। और जो जो स्थिर करण है, शकुनी, चतुष्पद, नाग, किंस्तुघ्न, ये 4 नाम अलग कहे गए हैं। अब इसमें एक विष्टिकरण है जो कि अच्छा नहीं माना जाता, इसको हम क्या कहते हैं, भद्रा के रूप में कहते हैं। बहुत सारे लोग विष्टि का नाम नहीं सुने हैं, लेकिन भद्रा का नाम जरूर सुने हैं कि भद्रा तो नहीं है जी। किसी भी कार्य को जब आरंभ करते हैं तो उसमें भद्रा का विचार किया जाता है। तो ये जो 5 भाग हैं, बिना 5 भाग के हम किसी भी किसी का मुहूर्त या किसी का शुभ वार या शुभ तिथि या शुभ कार्य करने के लिए कोई अगर हमें निर्णय करना है तो इन 5 भागों को देखना पड़ता है। योग में भी व्यतिपात और व्याधृतिपात होते हैं जिनमें कोई कार्य न करने की बात कही गई, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से शकुनी, चतुष्पद, नाग और किंस्तुघ, इनमें भी कोई कार्य नहीं करने की बात कही गई। तो ये उनके बेसिक्स जो है, मतलब ये बताए गए हैं जिनके आधार पर हम निर्णय करते हैं कि किन किन तिथियों में कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप अनिल सर से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं कंसल्टेशन के लिए, तो आप हमारे ऐप पे जा सकते हैं। अगर आप उनके साथ एक ऑफलाइन कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@superastrologer.com पे, या नीचे दिए रिव्यू नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।